एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कराया है, तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इसे सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए। सवाल पूछते हैं, गलत बात है। 5 लाख वोटों से जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बर्दाश्त कीजिए। का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं, तो ये कोई बात नहीं होता। चित्रा जी आपका मन छ, तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, अरे बाप रे, आज तक नहीं चलाता है, सवाल नहीं करती हैं। मेरी बात सुनो, आज तक इस तरह में अगर आपने जिस भी शब्द का जिक्र किया कि उन लोगों से, आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है उस तरह की आवाज़। नहीं नहीं, शिकायत ये कर रही हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के, जबकि ज्यादातर लोग जो VIP गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो अरे लहंगा उठा दे रिमोट से फटाफट खोल के देखो। शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं, प्लीज। नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बात ये कह रही कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती है कि भाई ऐसे, भैया आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ यहाँ। बस हवा निकल गई। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आज लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद विधायक बन चुके हैं। उसके पहले मैंने सवाल पूछा था कि मंत्री जी से सवाल पूछ लिया गया, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है यहाँ मध्य प्रदेश में, उनको छोड़ दिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है या कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। नाम लेकर अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर कहाँ नाम लिया है तनी ये बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा लिया गया, मामा कोई नाम है? मामा कोई नाम, मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है। अच्छा ठीक है, हाँ। मामा आपके भी हैं, सबके हैं। आप लोग मामा और बाबा पे बड़ी सवाल करते रहते हैं, बाबा कौन है, अरे बाबा कौन है, मामा कौन है, नाम लेने से किस बात का डर है? नाम लेने से किस बात का डर है? जब गाना बना ही रही है तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं। और नेहा एक चीज और, नेहा एक महाराज, एक सेकेंड, झूठा आराम से झूठा, देखिए झूठा ही लपेटना चाहती है, गजब बेइज्जती है, डर रही हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के बायकॉट के बावजूद इन्हें गोदी गिरी करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, और हाल ही में गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी गोदी गिरी करती दिखी तो सामने बैठी नेहा सिंह राठौड़ ने इसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। कई सारे सवाल भोजपुरी के वल्गर गायकों पर पूछ डाला, जिस पर इस गोदी एंकर की बोलती बंद हो गई। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ यही नहीं रुकी, बल्कि मामा और बाबा पर भी इस गोदी एंकर की जमकर फटकार लगा दी, क्योंकि ऐसे गोदी एंकरों को लगता है कि मामा का मतलब वो है और बाबा का मतलब ये है। इसी पर लाइव डिबेट में इस गोदी एंकर की जमकर किरकिरी हो गई। साथ ही साथ नाम लेने से डरने को लेकर के भी नेहा सिंह राठौड़ ने बेबाकी से इस गोदी एंकर के सामने अपनी बात रखी। हाय भोपाल में आके हो, MP में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का वतन एक अतली की डरात बनी हो। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कराया है, जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कराया है। अरे कहना क्या चाहते हो? किया जाता है तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इसे सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है, सवाल नहीं होना चाहिए, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं, 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 नहीं। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि सही पकड़े हैं। नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल, दोनों तरफ की। अगर आप यहां पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। किसी एक का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है, आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रही हैं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ झूठ के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। मैंने बिल्कुल देखा है, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं, आप लोगों के यही सवाल होते हैं। नहीं नहीं नहीं, पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, कार्यक्रम। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, तो गोदी एंकर को कुछ नहीं सूझा तो भोजपुरी के वल्गर गायकों के बचाव में बात करने लग गई कि वो इतने लाख वोटों से जीता है, ये इतने लाख वोटों से जीता है। तो इस पर भी नेहा सिंह राठौड़ ने तरीके से चित्रा की वाट लगा दी, कहती हुई दिखी कि वो लाखों वोटों से जीता है तो उससे महंगाई पर सवाल नहीं पूछा जाए, और वो लाखों वोटों से जीता है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं। इस पर ये गोदी एंकर बौखला गई, जो कि आपने यहां पर देखा।
था, यानी कि सच ये सुन नहीं सकती। अंत में सवाल पूछने को लेकर नेहा सिंह राठौड़ ने मुंह पर ही कह दिया कि आप लोगों का सवाल ऐसा ही होता है कि आम काट के खाते हैं या चूस कर खाते हैं। ये सुनते ही गोदी एंकर फंस गई और डिबेट बंद करके भागने लग गई। तो ये है हमारे देश की गोदी मीडिया और इनके गोदी एंकरों की सच्चाई। आपके 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 जेब में कितने पैसे हैं? गजब बेइज्जती है। आप कितना पैसा लेकर टहलते हैं? ये कौन बात नहीं होता चित्रा जी, आपका मंच है। मजा आया।